जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर 27 जुलाई को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम का हमला एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। क्या बॉर्डर एक्शन टीम का इरादा 12 वर्ष पहले जैसी बवरता करने का था? नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं 41 इंडिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर माचिल सेक्टर में एक चौकी पर पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम का हमला एक बड़ी साजिश थी। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम बैठ 12 वर्ष पहले पुंछ में किए गए हमले को फिर से दोहराना चाहती थी। कुपवाड़ा में मारे गए आतंकियों के पास जिस तरह का सामान मिला है उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट का इरादा भारतीय जवानों पर हमला कर उनके साथ बवरता करना था। आपको बता दें कि साल 2013 में भी पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने हमला किया था। तब बैट टीम भारतीय जवान का सिर काट कर ले गई थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि मारे गए आतंकी के पास चाकू सहित अन्य ऐसे सामान बरामद हुआ है जिसका इस्तेमाल बॉर्डर एक्शन टीम करती है। रक्षा से जुड़े मामलों को जानने वालों की माने तो एलओसी के नजदीक 6 से 7 लॉन्चिंग पैड है। इन लॉन्चिंग पैड से आतंकी अपनी हर गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम में पाकिस्तानी सेना तक शामिल होती है और ये एलओसी के नजदीक से ऑपरेट करती है। जम्मू कश्मीर में समय के साथ साथ आतंकवादियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। हाल ही में हुए आतंकी हमलों के दौरान आतंकवादी अपनी बदली रणनीति के तहत सीधा मुकाबला करने की जगह गाद लगाकर हमला करने और गोली चलाकर भागने की रणनीति अपना रहे हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर संभाग के बीच काफी अंतर है। कश्मीर में आतंकवादी अक्सर स्थानीय क्षेत्रों में सीमित रहते थे जबकि जम्मू संभाग में आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद घने जंगलों में भाग जाते हैं जो सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों को अपनी रणनीति का री इवेल्यूएशन करने की जरूरत है, खासकर राजौरी और पुंछ जिले में जहां 2021 से आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में 52 सुरक्षा कर्मियों सहित 70 से अधिक लोगों की जान गई है। आधुनिकता के दौर में भी सुरक्षा बलों को ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजबूत करना होगा क्योंकि स्थानीय लोग क्षेत्र में सेना की आंख और कान होते हैं। वहीं खुफिया जानकारी जुटाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे पहले कि आतंकी फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे, सरकार को चाहिए कि सीमा पर चल रही गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा पार चल रहे इन लॉन्चिंग पैड पर बालाकोट की तरह सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए ताकि सीमा पार चल रही गतिविधियों को समय रहते रोका जाए। किसी नए विषय को लेकर फिर से हो गए उपस्थित। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए द 41 इंडिया के साथ। धन्यवाद।